पेंड्रा जिले में पुलिस ने ग्रामीणों को नकली सोना देकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकली सोने चांदी के जेवरात समेत कई फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल, नकदी रकम जब्त किया गया है। गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजरवार निवासी पीड़ित पूरन लाल राठौर गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कम दाम में सोना देने का प्रलोभन देकर उनसे 2 लाख के नकली जेवर देकर फरार हो गए हैं। एएसपी ओम चंदेल ने बताया कि ठगी के मामले में आरोपी प्रभु सोलंकी, लक्ष्मण राठौर, सीता सोलंकी सभी डोंगरगढ़ निवासी को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद नाम का उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। 1 तारीख का मामला है जहां पर पूरन राठौर जी हैं गौरेला निवासी, उन्होंने पुलिस के पास आकर के शिकायत दर्ज कराई कि मुझे कम दाम पर सोना बेचने के लालच में कुछ लोगों ने नकली सोना बेच दिया है और 2 लाख रुपए उनसे ले लिए। इस पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया और घटना स्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को हम लोगों ने तलाशना शुरू किया। एसपी मैडम ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और साइबर सेल की टीम और हम लोगों को निर्देशित किया कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निराकृत करना है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और कुछ मोबाइल के लोकेशंस के आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। पता चला कि जो आदमी का जो उन्होंने हुलिया बताया था वो अनूपपुर से आए तरफ से आए हुए थे और बिलासपुर की तरफ निकले हुए। उसके बाद से हम लोगों ने और टेक्निकल लिंक के आधार पर आगे बढ़ते गए और फिर हम लोगों ने उड़ीसा के सुंदर नगर में उस तरह के हुलिया के लोग जो डेरा लगा करके बैठे हुए थे और कोई दूसरी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, तो हम लोगों ने उनको पकड़ करके वहां से लेकर के आए और पूछताछ उनसे किए, तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहां पे डेरा लगा करके रहते हैं और रेलवे स्टेशन के पास अपना डेरा लगाए हुए थे और ये कांच काटने का काम करते थे और अपना शिकार खोजने का काम करते थे। और इन लोगों ने नकली सोना चांदी जो है अपनी कोई ऐसी परिस्थिति बताते थे कि मेरे पास ये हार है, ये सोना है और मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे तत्काल इलाज के लिए पैसे चाहिए और आप ये सोना कम दाम पर खरीद लीजिए, और इसी प्रकार से लोगों को ये प्रभावित करते थे और उसके बाद में उन लोगों से पैसे लेकर के ये फरार हो जाते थे। बाद में पता चलता था कि जो सोना उन लोगों ने दिया हुआ है या जो चांदी उन लोगों ने दिया हुआ है वो नकली है, तो इस आधार के पे ऑपरेट करते थे। और हम लोगों ने 3 आरोपियों को इस घटना में पकड़ा हुआ है, गिरोह की तरह ये काम करते थे, जो दुर्ग और डोंगरगढ़ जिले के रहने वाले हैं। 1 आरोपी इनके साथ में और था अरविंद नाम का, अभी वो फरार है, उसके लिए भी हमारी टीम रवाना हुई है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हम लोग उसको जल्द ही पकड़ लेंगे। नहीं, अभी तक तो इन लोगों के पास ऐसा नहीं आया है, ये अपना सोना जो है नकली सोने को ही अपनी परिस्थिति का बताते थे कि रोना रो करके कि हम लोग, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे पास ये सोना रखा है, आप इसको खरीद लीजिए, तो लेते थे उसको थोड़ा सा कम कीमत, सोने का जो भाव रहता था उससे कम कीमत पर, तो लोग प्रभावित होकर के उनसे खरीद लेते थे। इस प्रकार बरामदगी क्या बरामदगी हुई? ये बरामदगी इनके पास ये जितने भी नकली सोना और चांदी है वो हैं और लगभग 8 मोबाइल हम लोगों ने और अलग अलग सिम इनके पास से बरामद किए हुए और कुछ नकद पैसे भी हैं, 4-5 हज़ार रुपये, वो भी इन लोगों से जब्त किए हैं। अभी हम लोगों ने आसपास के सभी जिलों को और दूसरे राज्यों को भी हम लोगों ने इनके बारे में भेजा हुआ है। ये वास्तव में रहने वाले डोंगरगढ़ के हैं लेकिन ये छत्तीसगढ़ में वारदात नहीं करते थे। इनसे पूछताछ में पता चला कि ये भूलवश यहाँ पे जब गौरेला पेंड्रा जिले को ये लोग दूसरा स्टेट समझे एमपीए का और ये यहाँ पर वारदात कर डाले। जनरली ये छत्तीसगढ़ में वारदात नहीं करते बल्कि दूसरे जिले में करते हैं। ये सुंदरगढ़ में भी देवगढ़ है, वहाँ पे ये वारदात करने के फिराक में थे जहाँ पर से हमने इनको पकड़ा। यहाँ हमारे गौरेला मई थाने में किए हुए थे पूरन राठौर जी। इसमें जो जब्ती नहीं, असली सोना नहीं मिला ये।